लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में पित्ताशय की पथरी का इलाज कैसे किया जाता है, जाने बिना ऑपरेशन इसका इलाज। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पित्त या पित्ताशय में पथरी की समस्या से परेशान लोगों के साथ हम अक्सर देखते हैं कि जब वे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके एलोपैथी चिकित्सा में इसका एकमात्र इलाज सर्जरी है, जिसमें ऑपरेशन की मदद से पूरे पित्ताशय को बाहर निकाल दिया जाता है। और पित्ताशय हमारे लीवर के पास स्थित होता है। ये भोजन को बेहतर पाचन और डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी रस रिलीज करता है। इसके अलावा भी इसके शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, लेकिन अक्सर लोग पित्त की थैली में पथरी से परेशान लोग ऑपरेशन कराने से काफी कतराते हैं। वे अक्सर डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या वो पित्ताशय को निकलवाए बिना पथरी और उसके दर्द से राहत नहीं पा सकते हैं, क्या इसके लिए सर्जरी एकमात्र आखिरी विकल्प है। आपको जानकर खुशी हो सकती है कि आयुर्वेद उपचार की मदद से आप काफी हद तक सामान्य जीवन जी सकते हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं पित्त की पथरी का आयुर्वेदिक इलाज। बहुत से लोग पित्त की पथरी के इलाज के लिए अन्य विकल्पों के बारे में भी नहीं जानते हैं। वे सोचते हैं कि सर्जरी ही एकमात्र समाधान है। सर्जरी के माध्यम से पथरी निकालने के लिए भी उन्हें पहले सलाह दी जाती है कि सर्जरी से पहले पथरी के बड़े होने का इंतजार करें। अधिकांश लोगों को एहसास नहीं होता है कि डाइट में कुछ छोटे बदलाव, दिनचर्या और हल्की जड़ी बूटियों के साथ वे कोलीलिथोसिस जैसी स्थितियों को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आयुर्वेद में पित्ताशय पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अंगों में से एक है। आपने सुना होगा कि आप पित्ताशय के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ये सही है, आप पित्ताशय के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऐसा होने पर आपको जीवन भर पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे पास पित्ताशय निकलवाने के लिए आने वाले यहां मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ऐसा बोलूं पित्ताशय निकलवाने के लिए आने वाले 90% से अधिक रोगियों को पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसलिए यदि आपको पित्त पथरी का पता चला है तो इसके इतना बड़ा होने का इंतजार ना करें कि सर्जरी ही आपके एकमात्र विकल्प हो। 3 महीने के आयुर्वेदिक उपचार से हम पित्त पथरी के आकार को छोटा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका पित्ताशय पहले ही निकल चुका है तो अपने आहार में सभी प्रकार के पित्त बनाने वाले फूड्स का कम कर दें। इसलिए यदि आपके पास विकल्प है तो अपना पित्ताशय ना निकालें। आयुर्वेद इसे पित्ताशय कहता है। पित्त का आसन, आप जानते हैं कि पित्त शरीर के लिए बहुत कितना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक उपचार की मदद से आप आसानी से पित्ताशय की पथरी के साथ स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।